वेल, आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने बनाया एक छोटा सा वायरलेस स्पाई कैमरा। तो इस वायरलेस स्पाई कैमरा की सबसे खास बात यह है कि आप इसमें SD कार्ड को भी इंसर्ट कर सकते हो और उसमें रिकॉर्डिंग देख सकते हो, और उससे भी मजेदार बात यह है कि आप वाईफाई से लाइव फुटेज को भी कैप्चर कर सकते हो, देख सकते हो, उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, अपने कैमरा को कंट्रोल कर सकते हो। और इसके साथ साथ ये रिचार्जेबल भी, आप इसे अपने फोन के चार्जर से चार्ज कर सकते हो, तो यार इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो इस कैमरे को बनाने के लिए मैंने ESP32 कैम का यूज़ किया है। तो ESP32 कैम को यूज़ करने से पहले हमें प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो प्रोग्रामिंग के लिए सिंपली आपको इस तरीके से वायर को कनेक्ट कर देना है FTDI मॉड्यूल में, उसके बाद आपको अपने लैपटॉप में डायरेक्ट इसे कनेक्ट कर देना है केबल के थ्रू। तो यार वायरिंग करते समय ध्यान रखना कि यार जिस पिन्स में मैं कनेक्ट कर रहा हूँ उसी पिन्स में आपको भी कनेक्ट करना है। और हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग मेरी ESP32 कैम की प्रोग्रामिंग वीडियो पुरानी देख सकते हो यार, उसमें मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो अगर कोई एरर आ रहा है तभी देखना, वैसे इस वीडियो से भी काम चल जाएगा। उसके बाद डेटा केबल का यूज़ करके मैं इसे अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर दूंगा, फिर हम ओपन करेंगे Arduino IDE। तो यार इसमें मैं कोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लो और कोड को ओपन कर लो। तो जब हमारा कोड ओपन हो जाएगा तो वहाँ पे हमें छोटा सा चेंज करना होगा। माई कॉन्फिग में जाके यहाँ पर आईडी और पासवर्ड को चेंज करना होगा। आप लोग यहाँ पे जो भी आपका आईडी पासवर्ड है उसे एंटर कर सकते हो यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे मैं सीधा कोड को कंपाइल पे क्लिक कर रहा हूँ। तो इसकी सेटिंग्स आप लोग अगर नहीं पता है, तो आप लोगों ने ESP32 कैम के बोर्ड को नहीं इंस्टॉल किया है, तो जाकर आप पुरानी वीडियो देख लो और इंस्टॉल कर लो। तो सारी सेटिंग्स सेलेक्ट करने के बाद अपलोड पे मैं क्लिक कर दूंगा। तो अपलोड जैसे ही हो जाएगा उसके बाद हमें यहाँ पर सीरियल मॉनिटर में जाके रीसेट बटन को दबाना होगा। उसके बाद यहाँ पे हमें एक IP मिल जाएगी, इस IP को यार आप कॉपी करके रख लो, और इसकी हमें जरूरत। तो हमारा ESP32 कैम अब प्रोग्राम हो चुका है, तो अब हमें इसे कनेक्ट करना है बैटरी से, और उसके साथ साथ स्विच को भी लगाना होगा और एक चार्जिंग मॉड्यूल जिससे कि हमारी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें एक साथ कनेक्ट करना है और इसमें स्टेपल कर देना है। तो वायरिंग काफ़ी इजी है, सिर्फ एक स्विच को कनेक्ट करना है और एक चार्जिंग मॉड्यूल को, और उसके पावर सोर्स को सीधा हमें ESP32 कैम से कनेक्ट कर देना है। तो वायरिंग काफ़ी सिंपल है, फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं डायग्राम दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से जाके इसे देख सकते हो। तो हमारा वायरलेस स्पाई कैमरा फाइनली रेडी हो चुका है, बट इसे थोड़ा सिक्योर करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं इलेक्ट्रिक टेप का यूज़ कर रहा हूँ, और इस तरीके से देख सकते हो सिक्योर मैंने कर दिया है। तो इसका लुक आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये देखो काफ़ी छोटे साइज़ का मैंने बनाने की कोशिश की है, और सबसे मैंने एक बहुत ही अच्छा फीचर इसमें डाला है कि इसके पीछे मैंने मैग्नेट्स लगा दिया है, जिससे कि आप इसे आयरन सरफेस पे माउंट कर सकते हो। मतलब कहीं पे भी अगर आपको रिकॉर्डिंग करनी है तो कोई अगर आयरन सरफेस है तो वहाँ पे आप इसे आराम से माउंट कर सकते हो, चिपक जाएगा उस पे और ये रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी। तो अब बारी है इसकी टेस्टिंग की। तो टेस्ट करने के लिए मैं इसे स्विच को जैसे ही ऑन करूंगा उसी टाइम से ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और हमारे SD कार्ड में रिकॉर्डिंग सेव होती रहेगी। तो यहाँ पे आप इजीली SD कार्ड को माउंट और अनमाउंट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ऑन करके इसे साइड में रख दूंगा, हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अब मैं आपको इसके लाइव फुटेज दिखाता हूँ हमारे वाईफाई के थ्रू। तो यहाँ पे मैं अपने फ़ोन में आ जाता हूँ, और मैंने जो IP को कॉपी की थी वहाँ पे इसे ब्राउज़र में पेस्ट कर दूंगा, और उसके बाद स्टार्ट स्ट्रीम पे मैं करूँगा। तो देख सकते हो ये मेरी सीलिंग का आ रहा है, और बाकी ये देख सकते हो रिकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी आ रही है। देखो क्वालिटी आपको देख के बताओ कैसी लग रही है। तो मैं इसी सेम पेज को अपने लैपटॉप में ओपन कर देता हूँ, फिर आप क्वालिटी को देखो यार। तो क्वालिटी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसके साथ साथ मैं आपको कई फीचर्स भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आप फ्लैशलाइट को भी ऑन ऑफ कर सकते हो। तो आपको ये वायरलेस स्पाई कैमरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक तो एक बनता है, और उसके साथ साथ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब के बिना चले जाते हो यार, अच्छी बात नहीं है। सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को दबा देना, क्योंकि ऐसे ही टाइप की वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। एंड अगर आपके पास कोई आइडिया है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और हाँ, हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे आपको रील्स और रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।